बीस का सौ। अच्छा 100 ग्राम बनाओ यार। चलान काट रहे ना ही यार, चलान काहे काटेंगे? अरे मूंगफली नहीं खा सकते आपसे? दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो न सिर्फ सोशल मीडिया के स्टार हैं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जमकर सराहना की जाती है। सबसे पहले आप इस वीडियो का हिस्सा देखिए जो हमने उन्हीं के यूट्यूब चैनल से लिया है। 20 का 100। अच्छा 100 ग्राम बनाओ यार। चलान काट रहे हैं सर? चलान नहीं यार, चलान काहे काटेंगे? अरे मूंगफली नहीं खा सकते आपसे? मूंगफली खाने आए हैं, चलान नहीं काटेंगे भाई। किसी ने बताया क्या? अच्छा लोग जो आते हैं चलान काटते हैं क्या? नहीं तो काहे परेशान हो, चलान काट दे क्यों कह रहे हो? चलान नहीं काट रहा है कोई। गरम कब से? कब वो कच्ची है। अच्छा बताओ कब से मूंगफली बेचते हो बेटा? हम 4 साल हो गया। 4 साल हो गया? अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है? संदीप गुप्ता। कौन गुप्ता? संदीप गुप्ता है। संदीप गुप्ता, बहुत बढ़िया। तो शाम को लगाते हो ठेला बेटा? संध्या को लगाते हो? संध्या को। और सवेरे तक लगाते हो? कितनी देर लगाते हो? घंटा दो घंटा तीन घंटा? सवेरे नहीं लगाते, सवेरे संध्या को लगाते हैं। अच्छा कितना मिल जाता है डेली? 500-600 मिल जाता है। 500-600 मिल जाता है? 500-600 रुपया डेली मिल जाता है? 500-600 मतलब खर्चा भी नहीं? हाँ मतलब महीना भर में 12-14 हज़ार मिल जाता है, ये तो बढ़िया है। खर्चा करने के बाद बचत कितना होती है? खर्चा भी है ना महंगाई के हिसाब से। अब महंगाई के साथ खर्चा तो रहेगा ही, लेकिन तब भी कुल मिला करके लाभ का सौदा है? लाभ का सौदा है, कोई नुकसान नहीं? नुकसान तो नहीं है सर, नुकसान किसी में नहीं है। बाकी की खर्चा भी है ना, लेकिन थोड़ा सा किराया रहा है। किराए पर रहते हो? हाँ किराए पर रहते हैं। कहाँ पर? दोस्तों यकीनन ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा क्योंकि कप्तान साहब एक गरीब ठेले वाले से न सिर्फ बातचीत कर उनकी परेशानियों को जान रहे हैं बल्कि जो पुलिस मित्र की भूमिका कप्तान साहब द्वारा निभाई जा रही है उसे भी आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा होती है। मेरा नाम मोहित साहनी। मोहित साहनी, चाय बेचते हो आप? कब से? सर ये तो 2 साल हो गए दुकान खुले। 2 साल दुकान खुले। और उम्र कितनी है आपकी? सर 13 साल। 13 साल यानी 11 साल की उम्र में पापा के काम में हाथ बटाते हो या खुद बेचते हो? सर पापा भी मदद करते हैं, हम भी मदद करते हैं, मम्मी भी रहते हैं। अच्छा पढ़ाई करते हो? यस सर। आपका क्या नाम है? कैलाश सानी सर। कैलाश सानी, आपका बेटा है? जी सर। तो स्कूल पक्का भेजते हो या हमें केवल बताने के लिए इस कारण कह रहे हो? सर डेली भेजते हैं बच्चों को। तो फिर चाय क्यों लिखवाते हो बच्चे से? रहते हैं फालतू घूमेंगे सर। नहीं फालतू क्यों घूमेंगे, पढ़ाई कर सकता है ना? पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। बात बेटा पढ़ाई करते हो ना? खाली समय पढ़ते हैं। खाली समय में? और स्कूल भी जाते हैं खाली समय। बच्चों का तो सब समय खाली ही होता है बेटा, पढ़ाई में कहाँ इतना समय मिलता है। अगर आप सही में नहीं भेजते हो? नहीं सर रोज जाते हैं। नहीं डरने की बात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम ही इसकी मदद कराएं। नहीं सर आप पता कहीं भी करेंगे सर सब बताएंगे यहाँ पे। पढ़ाई में अगर मान लो इसके कोई दिक्कत आ रही है तो हम ही लोग मदद करेंगे। ठीक बताओ बेटा, कोई दिक्कत हो तो? नहीं सर कोई दिक्कत, तो पढ़ाई करने ही जाना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईपीएस सुभाष दुबे सिर्फ ठेले और रेहड़ी पटरी वालों के ही स्टार हैं बल्कि अपने द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों की वजह से आईपीएस सुभाष दुबे दूर दूर तक पहचाने जाते हैं। अब आप एक ये वीडियो देखिए जब सुभाष दुबे स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बच्चों की क्लास ली। क्या करना चाहते हो आप आगे? आगे अच्छा अच्छा तो हाँ विवेक सोच रहे थे, बताओ कि बेटा क्या चाहते हो? सर मैं बजाना भी बनना चाहता हूँ। क्या क्या बेटा? मैं सर अच्छा मतलब संगीतकार बनना चाहता हूँ। अच्छा संगीतकार बनना चाहते हो? आपके अंदर पूरा हुनर है बेटा, बन जाओ। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो बन जाएंगे। नहीं हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा और आपके जो गुरुजन है बेटा इनका आशीर्वाद सबसे आगे ले जाता है ना, जो आपको हमेशा सिखाते हैं पढ़ाते हैं। हम लोगों के भी गुरु रहे ना पहले, हम लोग भी आपकी तरह बच्चे थे पढ़ते थे बेटा, पढ़ करके गुरुजनों ने भी हम लोगों को कहिए कि एक प्रकार से तराश करके यहाँ तक भेजा। तो ये गुरुजन आपके इनमें पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ जो बताएं उस पर लगे रहो बेटा, पक्का आप बहुत अच्छे संगीतकार हो।
आपके अंदर गाने और बजाने दोनों का मतलब हुनर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आईपीएस सुभाष दुबे के कई सारे वीडियोस आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और आईपीएस सुभाष दुबे के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पुलिस आईपीएस सुभाष दुबे की तरह गरीब दबे कुचले लोगों की इस तरह का व्यवहार करे तो लोगों में न सिर्फ पुलिस के प्रति भरोसा जगेगा बल्कि पुलिस मित्र की एक बेहतर तस्वीर भी लोगों के बीच सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।